यह तो मामला गंभीर है, कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की लापरवाही है, सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ये कोयला में आग लगा है। जब भी लगा हुआ, ऐसे 20 साल 25 साल पहले आग लगा हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत प्रयास किया गया, प्रयास के बावजूद भी अभी तक उस कोयला में जो आग लगा है उसको बुझाने में सफलता नहीं मिला है, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी बांध बस्ती के तरफ में उसका है, झिरके के तरफ में है, आने वाले दिन में वो कहीं ना कहीं वो गांव तक ये मामला जाएगा और भूधसान की संभावनाएं बढ़ेगी, उससे राष्ट्रीय क्षति के साथ साथ मानव संसाधन का भी क्षति होता है। इसलिए कोल इंडिया को प्रयास करना चाहिए, सीसीएल को प्रयास करना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द जो है उस आग पर नियंत्रण लगाते हुए उसको बुझाने का काम करना चाहिए। सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह हैं, आज वो कोल इंडिया के भी चेयरमैन के प्रभार में हैं। मैंने उनसे भी कई एक बार कहा है, लोकल पदाधिकारियों से हमने कई एक बार कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की लापरवाही रही है कि वो प्रोडक्शन पर जोर देते हैं, सुरक्षा पर जोर नहीं देते हैं। सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, जबकि प्राथमिकता सुरक्षा होना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव के लिए सुरक्षा की बात होनी चाहिए। इस पर कम ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और कहीं ना कहीं ये लापरवाही का कारण है कि अभी तक नियंत्रण नहीं मिल पाया। इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि कठारा कोलियरी जो है, कठारा कोलियरी एकदम बांध बस्ती से सट गया, उधर से एक साल दो साल के अंदर में झिरके हम गांव पहुंच जाएगा, तो निश्चित रूप से ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा आगे हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।